परमेश्वर ने पुराने नियम में नियम ठहराया था, अगर आपके घर में जेठा बेटा है, जो बड़ा बेटा है, उसको बाकी बच्चों से दुगना भाग मिलेगा। यानी अगर आपके चार बेटे हैं और 100 रुपए आपके पास है, 25-25 सबके हिस्से आते हैं, आते कि नहीं? कहता तुम 25-25 मत करना, तुम उस 100 रुपए के 5 हिस्से करना, यानी 20-20-20-20-20। पहले वाले को 40 दे देना और बाकी 3 को 20-20 देना। ये हुक्म था परमेश्वर का कि जो जेठा बेटा हो वो बाकियों से दुगना भाग पाए। अब अगर आप ध्यान से पढ़ें, एलीशा जो था उसके पास 50 चेले आए, एलिया के और भी चेले थे, उसका प्रोफेटिक स्कूल था उसका, जहां उसके वो साथ रहते थे, उसकी चीजों को पूरा करते थे, काम को पूरा करते थे। उन सबको मालूम था कि एलिया आज जीवित स्वर्ग पे चढ़ाए जाने वाला है, क्योंकि उस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के कारण जो एलिया के ऊपर थी, सब में वो मसा काम करता था। और सब एलिशा के पास आके बोलते हैं, ए तुझे पता है आज तेरा गुरु स्वर्ग पे जाने वाला है? कहते चुप करो, मुझे मालूम है। इसमें मैं कहना क्या चाहता हूं, एलिशा ने क्लेम किया कि मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूं। बड़ा बेटा वो था नहीं, कोई और चेला भी पुराना हो सकता था उसके ग्रुप में, जो उससे 20 साल से जुड़ा हो, और एलिया भी 4 साल से जुड़ा हो, एलिशा भी 4 साल से जुड़ा हो, एलिया का 20 साल पुराना चेला हो और एलिशा भी 4 साल से आया। पर एलिशा ने अपने कर्मों से, आप समझ रहे मेरी बात, कि एलिया के पास रहना पॉसिबल नहीं था, उसके पास रहना बड़ा मुश्किल था, चेले डरते थे उससे, और इसलिए वो उसके पास नहीं रहना चाहते थे। पर जो एलिशा था, उसके हाथों और पांव को वो धुलाता था, और लोगों में मशहूर था कि ये वाला एलिशा, ये वाला जो छोटा सा चेला है ना, ये हाथ पैर धुलाता है, जो छोटा काम करता है। लेकिन बाकी जो चेले थे, उन सबको ये नॉलेज थी, प्रोफेटिकली नॉलेज थी, कि हमारे गुरु ने, हमारे फादर ने आज स्वर्ग पे चढ़ाए जाना है। लेकिन किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं थी और इतना हियाव नहीं था कि वो एलिया के को बोल सके कि मैं तेरा जेठा हूं, क्योंकि जेठा एक ही होता है। आप समझ रहे मेरी बात? और एलिया जो था वो रिजेक्ट करता था लोगों को। उसने कहा, एलिशा भाग जा यहां से, मैं बेतेल तक जा रहा हूं, मुझे तो इतनी जरूरत नहीं, चला जा। और एलिशा भी बोलता था, अच्छा हाँ साल हो गया मैंने हाथ पैर तो अंदर हूं, लोड़ नहीं है, चलो ठीक है फिर, यहीं में बाकी आना मिल जाने भी था, बैठे ही आ जाने। पर उसने कहा, यहोवा की शपथ, तेरी शपथ, मैं तेरे साथ। एलिया ने फिर रिजेक्ट किया, अब यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है, भाग जा यहां से, नहीं, अब यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, नहीं, मैं तेरे साथ ही हूं। अच्छा बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, अब मुझे दुगना भाग चाहिए, डबल पोर्शन चाहिए, मुझे, मैं जेठा होने को क्लेम करता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप यहां बैठे हैं और वचन के ऊपर आपने क्लेम नहीं किया, आपने फाइट नहीं की, आपने अपने आप को दिखाया नहीं, आप उन्हीं 50 चेलों की तरह खाली रह सकते हैं और कोई एलिशा अपनी गवाही देकर चला जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? मैं हीलिंग चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा बेटा नशा छोड़ दे, मैं चाहता हूं मेरा फाइनेंस बढ़ जाए। अच्छा फाइनेंस बढ़ जाए, कभी टाइथ दिया? नहीं। स्पेशल बीजों को बोया? नहीं। हेल्प करते हो किसी की? नहीं। तुम उन्हीं 50 में से हो जिनको मालूम था एलिया जाने वाला है पर कभी पीछा नहीं किया, तुम उन 50 में से हो। पर जो एलिशा था वो वचन पे क्लेम कर रहा था, उस पे प्राइस पे कर रहा था। प्राइस क्या था? दुखी होके भी वो उसका पीछा कर रहा था, रिजेक्ट होने के बावजूद वो उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि आत्मा में कोई भी जेठा नहीं था, आत्मा में आप फॉलो करके जेठा बनते हो। आप समझ रहे हो? हां, जेठा मतलब जिम्मेवारी, जिम्मेवारी, ज्यादा काम। मोस्टली जो घरों के जेठे हैं उनकी कंप्लेंट होती, मेरे मम्मी डैडी छोटे से ज्यादा प्यार करते हैं, होती कि नहीं? वो क्यों?
क्योंकि जेठा एक जिम्मेवारी वाला पद है जो खुदा ने उनको दिया होता है, और जेठे को पावर भी ज्यादा थी, प्रॉपर्टी भी ज्यादा थी, और जेठे के ऊपर काम भी ज्यादा थे। अगर मैं यह चाहता हूं कि मैं खुदा की निगाह में जेठा बनूं, जिम्मेवार बनूं, तो मुझे वो काम भी ज्यादा देगा लेकिन ब्लेसिंग भी डबल देगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर मेरा हीलिंग कर दे, वो खुदावंद मुझे ये गवाही दे दे, परमेश्वर मेरे को ये टेस्टमनी दे दे, वो अपने आप नहीं आएगी। आपको वचन के ऊपर क्या करना पड़ेगा। जब एलिया ने अलीशा को रिजेक्ट किया और बोला अब यहां से तेरे मेरे रास्ते अलग, चला जा, तो एलिशा ने याद किया कि एलिया ने मेरे ऊपर चद्दर डाली थी और मुझे मेरे बिजनेस से बुला लिया था सेवा में, मेरे परमेश्वर का प्लान चेंज नहीं हुआ, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। उसका प्लान थोड़ी चेंज हुआ, तू गुस्सा कर रहे हैं लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जब भी आपकी हीलिंग हो, डिलीवरेंस होनी हो, आपको परमेश्वर ने बरकत देनी हो, वो कभी भी आराम से नहीं आएगी, आपको उसके लिए एक फाइट करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो, फाइट करनी, आपको दिखाना पड़ेगा जो आप मांग रहे हो उसके लिए आप जेन्युइनली आप डिजायर है आपके अंदर। आप समझ रहे कि नहीं, कि जो मैं मांग रहा हूं, जो हीलिंग, जो डिलीवरेंस, जो बरकत, जो फाइनेंशियली पोजीशन में मांग रहा हूं, उसके लिए मैं जेन्युइनली रेडी हूं। वो रिजेक्शन में भी खड़े रहना, वो प्रॉब्लम में, स्ट्रेस में भी खड़े रहना, क्योंकि मैं उन चीजों से निकला हूं और मुझे मालूम है इसके बिना कोई भी सेवा में खड़ा नहीं हो सकता। जब आप जेन्युइनली अपने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी आप खड़े रहते और अपना फेथ दिखाते हैं, आप तैयार हो, फिर आपकी फ्लाइट कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा आपकी फ्लाइट कोई रोक नहीं सकता। आप अपने परिवार के साथ यहां बैठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च।